प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हर घर पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है नेस्टेड इफ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नेस्टेड इफ, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था इफ। अब इफ का काम मैंने आपको बता दिया था कि इफ का काम होता है कंडीशन टेस्ट करना और एक डिसीजन लेना, ठीक है। लेकिन सिंपल इफ से हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रहती है नेस्टेड इफ, जिसमें हम मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, वी कैन ऑल्सो यूज इफ इन ए नेस्टेड फॉर्म। हम इफ को एक नेस्टेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, एक ग्रुप में एक घोंसले की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इफ हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी कंडीशंस को हम इकट्ठा टेस्ट कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। वी कैन ऑल्सो यूज इफ इन ए नेस्टेड फॉर्म फॉर टेस्टिंग मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। तो हम इफ को इकट्ठा यूज कर सकते हैं बहुत सारी कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। मान लो देखो, हमने ग्रेड निकालनी हो, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फेल निकालने हो, तो वो काम होता है हमारा नेस्टेड इफ से। हमें वहाँ पे बहुत सारी कंडीशन टेस्ट करना पड़ती है, तो उस केस में इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना हो, ग्रेड निकालनी हो, या कोई भी मल्टीपल कंडीशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे ए है, मार्क्स लिया हुआ है, बी के नीचे ग्रेड ली हुई है, हमें ग्रेड निकाल रहे हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी वैल्यू डाल दो, यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि 95 पे लगा रहे हैं, मतलब कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि बराबर है इफ यदि A2 में कुछ भी डाला हो, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 90। अगर A2 में जो कुछ भी डाला हो वो ज्यादा हो या बराबर हो 90 के, यानी कि 90 के बराबर और उससे ऊपर हुआ, उससे ज्यादा हुआ, तो उसकी आ जाएगी ए ग्रेड। यहाँ पे आ जाए ए, फिर ए दिखाई गई, ठीक है। यदि A2 के अंदर मान लो हमने यहाँ पे 70 डाला या उससे ऊपर डाला, तो वो इक्वल टू चला जाएगा ये बी ग्रेड के ऊपर, यानी कि A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हुआ, 70 के बराबर या उससे ऊपर हुआ तो बी ग्रेड, और बाकी जो भी बचे उस सब के लिए सी ग्रेड, ठीक है। जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो हमें वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये ट्रू हुई तो ये रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे। अब बाकियों के तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं ना, बाकियों के ऊपर तो हम ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये आ जाएगा, मान लो इनमें से तो कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो सबके लिए सी ग्रेड आएगी, मान लो, ठीक है। यानी कि 90 के जिनके नंबर जो है वो 90 के बराबर आते हैं, 90 से ऊपर आते हैं, उनके लिए ए ग्रेड, और जिनके नंबर जो है वो 70 के बराबर आते हैं, 70 से ऊपर आते हैं, उनके लिए बी ग्रेड, ठीक है, और बाकियों के लिए सी ग्रेड, ठीक है। तो समझने में कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में एक समझा देता हूँ एक्सेल के अंदर, ठीक है। ठीक है, हम ले रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ दिखाने के लिए। ठीक है, ओके, गुड। यहाँ पे सेम ऐसे लिख देते हैं वैल्यूज को, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे बी है, यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है, 1-1 के नीचे मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पे हम मार्क्स कुछ भी भर देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ही हो गया, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है, 90 तक भी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देते हैं हम फॉर्मूला हमारा जो शुरू होगा वो बराबर है, ठीक है, बराबर है इफ यदि A2 जो है वो बड़ा है और बराबर है 90 के, तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक सिंगल कॉमा नीचे और ऊपर डबल कॉमा, ठीक है, तो उसके लिए आएगी ए ग्रेड, ठीक है, कॉमा, फिर से हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई इफ, ठीक है, यहाँ पे यदि A2 जो है वो बड़ा है और इक्वल है 70 के, तो उसकी ग्रेड आए बी, बाकी जो सारे के सारे बच गए उनके लिए आए सी, और यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे दूसरी क्लोज, ये देखो दो ब्रैकेट लगी थी ना, एक ये क्लोज हो गई यहाँ पे और ये वाली ये लास्ट में क्लोज हुई, दो ब्रैकेटें क्लोज हुई, शुरू की हमने बंद नहीं की थी बीच में, ठीक है,
ये रेड वाली और ये देखो ब्लैक वाली कलर में भी दिखा रहा है कि ऐसे क्लोज हुई, और यहाँ पे हम दबाएंगे एंटर, तो ये देखो ग्रेड आ गई सी। अब सी ग्रेड कैसे आई वो आपको लॉजिक से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लगाया था फॉर्मूला, ये देखो ऊपर लगा हुआ है फॉर्मूला, हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने ये फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, ये देखो ठीक है, यदि ए टू जो है वो बराबर बड़ा और बराबर हुआ 90 के तो ए आए, ठीक है, यदि ए टू जो है, ए टू मतलब यहाँ ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यदि वो बड़ा हुआ और 70 से 70 के बराबर हुआ तो बी आए, और बाकियों के लिए सी आए, तो यहाँ पे सेम वैसे ही हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आया सी क्योंकि 35 है ना, तो इसके सी आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे मान लो हम डाल देते हैं 70, तो अपने आप देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला लगा हुआ है ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं 100, ऑटोमेटिक ए आएगा, ठीक है। तो ये हमारी नेस्टेड इफ मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के, ऐसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने यहाँ पे निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो मार्क्स, और यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे मान लो 80, यहाँ पे 90, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे लिख देते हैं 32, ठीक है, और यहाँ पे निकाल देते हैं रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिर से वही कंडीशन इफ, अब 80 कहाँ पे है, सी टू के नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी टू इज ग्रेटर देन और इक्वल हुआ, ठीक है, 100 के, या यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि 90 के, तो ये आ जाए फर्स्ट, ठीक है। यदि सी टू जो वो ग्रेटर हुआ और बड़ा हुआ 70 से, ये आ जाए सेकंड, ठीक है, कॉमा, फिर से मैंने कॉमा लगाया, फिर हमने इफ लगाया, इफ सी टू जो है वो ग्रेटर हो जाए इक्वल हो जाए 50 के, तो वो आ जाए थर्ड, ठीक है, थर्ड हो गया, और बाकी सारे पास। चलो बाकी क्या ऐसा है कि यहाँ पे हम फिर से एक कंडीशन लगाते हैं, इफ सी टू जो है वो ग्रेटर हो जाए इक्वल हो जाए 33 के, ठीक है, 33 के, तो वो है सारे पास और बाकी फेल। ये एक ब्रैकेट क्लोज, ये देखो जैसे मैं क्लोज कर रहा हूँ ना, ये ब्लू वाले के लोग क्लोज हुई, जैसे मैं सेकंड करूंगा तो फिर देखो रेड वाली ब्लिंक हो गई, ये देखो रेड हो गई, फिर ये लास्ट वाली ये ब्लैक वाली क्लोज हुई, एंटर दबाया मैंने, यहाँ पे कहीं पे एरर आ रही है, तो फॉर्मूला में कहाँ पे गड़बड़ हुई, यू हैव एंटर टू मैनी आर्ग्यूमेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ये यहाँ पे हमने इफ नहीं लगाया था तब इसने एरर दी, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगी, ये ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ पे, ठीक है, इफ यहाँ पे भी इफ, यहाँ पे भी इफ आएगा, यहाँ पे भी इफ, यहाँ पे भी इफ, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन टेस्ट की ना, ओके ये देखो ये आ गया सेकंड, ठीक है, और बाकी का भी रिजल्ट सेम, देखो ये निकल, ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है वो ये है, इफ बराबर है, फॉर्मूला हमारा शुरू जो होता है बराबर से, इफ यहाँ पे कुछ भी भरते हैं, यदि हम सी टू जो है वो बड़ा होता है और 90 के बराबर होता है तो वो फर्स्ट आए, 90 से ऊपर वाले 90 के बराबर और उससे ऊपर वाले फर्स्ट आ जाए, यदि सी टू जो है वो बड़ा है और इक्वल है 70 के, तो ठीक है 70 के जो ऊपर है और उसके जो बराबर है वो सेकेंड आ जाए, यदि सी टू जो है वो बराबर है और बड़ा है 50 से, यानी कि 50 के ऊपर वाले वो थर्ड आ जाए, जो कंडीशन टू हो जाएगी वो वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमने सी टू लगाया, यदि जो है सी टू में जो हम भरते हैं वो बड़ा है और इक्वल है 33 के ऊपर और 33 के बराबर वाले वो पास हो जाए, और बाकी ये होता है एल्स वाला पार्ट, यानी कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट, और बाकी जो कुछ भी हम भरते हैं वो सारे फेल हो जाए, ठीक है, 32 से पीछे हम भरेंगे तो वो फेल ही होगा, ये देखो 32 भरा हुआ है यहाँ पे फेल, यहाँ पे मैं 100 की जगह यहाँ पे 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट की जगह फेल आ जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिक। तो ये तो फायदा है एक्सेल शीट का, हम रिजल्ट निकालते हैं इसी तरह से, बोर्ड का भी रिजल्ट ऐसे ही निकलता है हर साल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है,
तो कल फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।